हमेशा की तरह हम लोग दिल्ली से सुबह 4:30 बजे ही निकल गए थे। इसका मुख्य कारण होता है ट्रैफिक से बचना। इस बार मेरे साथ मेरा एक दोस्त था राजीव। पुरका जी के नए बाईपास में इस मौसम में ताज़ा गन्ने का रस उपलब्ध होता है। सुबह सुबह के हल्के कोहरे के साथ हरे भरे पॉपुलर के खेतों के बगल में गन्ने का रस का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। सुबह के वक्त मैं पागलों की तरह गाड़ी चलाता हूँ और रास्ते में कहीं नहीं रुकता। दिल्ली से निकलने के बाद सिर्फ गन्ने के जूस के सहारे ही हम लोग रुद्रप्रयाग तक पहुँच गए। राजीव को अब मेरे इस सनक की झलक मिलने लगी थी। रात को हम लोग जोशीमठ में रुके और सुबह सुबह बद्रीनाथ की तरफ निकल पड़े। जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच की यात्रा मुझे बहुत पसंद है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एवं अलकनंदा नदी के साथ साथ सड़क बनी हुई है। गोविंद घाट में बिना एक कप चाय एवं मैगी खाए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ता। राजीव थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, इसलिए वह साफ सफाई को लेकर काफ़ी कॉन्शियस था। मैं उसे अपने फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहब की यात्रा के बारे में बता रहा था, जो कि यहाँ से ही चालू होती है। आगे रास्ता थोड़ा खराब था। राजीव की घबराहट जायज़ थी, परंतु मुझे ऐसे ही रास्ते में गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। वहाँ दिक्कत रास्तों से नहीं बल्कि गाड़ी चलाने वालों के गाड़ी चलाने के तरीके से ज़्यादा होती है।
यह लैंडस्लाइड 2013 के आपदा की जीती जागती निशानी है। इसे पार करने के बाद हम लोग कुछ देर के लिए रुक गए। इरादा तो चाय पीने का था, पर फिर बिना चाय पिए ही हम लोग आगे बढ़ गए। अक्टूबर के महीने में कुछ वर्ष पहले तक इतने यात्री नहीं आते थे, अब तो अक्टूबर में और जून में जैसे कोई फर्क ही नहीं रह गया है। घड़ी घड़ी हमारा रास्ता जाम हो जाता था, पर बात वही थी कि वह रास्ता जाम रास्तों के कारण कम और हमारे गाड़ी चलाने के तरीकों से ज़्यादा होता था। बद्रीनाथ से थोड़ा पहले कंचनगंगा की धारा सड़क पर उतरती है। 2012 में मैं जब रात में यहाँ फंस गया था, तब से ही इसने मेरे मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। 2012 के जून में मैं रात को करीब 11 बजे अकेला इसे पार कर रहा था कि मेरी गाड़ी इसमें फंस गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैं जब बाहर निकला तो दो सफ़ेद तेंदुओं को मैंने एक साथ देखा था। उस वक्त इसमें पानी करीब करीब अभी से 4 गुना अधिक था। वहां पर अक्सर एक चौकीदार तैनात रहता है। मैंने फुर्सत से उसके साथ बैठकर कुछ समय बिताया एवं वह चाहे या ना चाहे उसे मैंने अपने उस रात वाले अनुभव को काफी दिल लगाकर सुनाया। उस रात होटल मिलने में कुछ दिक्कत हुई। मैं वहाँ इतनी भीड़ के लिए तैयार नहीं था। जैसे तैसे एक काम चलाऊ कमरे को हमने लिया, सामान रखा और फिर कुछ खाने पीने निकल गए। नीचे का जो टेम्परेचर है जो ऊपर का टेम्परेचर समान हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बर्फ गिरेगी ठीक ठाक। पर्वतों में रहने वालों की खासियत यह है कि वहाँ हर कोई मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने का दावा करता है। मैं यह पहले भी कई बार तजुर्बा कर चुका हूँ। उनकी बात अगर मैं मान जाता तो हम लोग बोरिया बिस्तर बांधकर वापस आ जाते, पर मैं मौसम के बारे में पहले से ही बहुत रिसर्च करके गया था और यह जानता था कि मौसम अगले कुछ दिनों तक खुला हुआ था। राजीव बद्रीनाथ पहली बार आया था। वह काफ़ी धार्मिक भावनाओं वाला व्यक्ति है। वह वहाँ के वातावरण में जैसे रम सा गया। वह स्नान करके ही मंदिर में दर्शन करना चाहता था, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो अगले दिन के यात्रा के बारे में ज़्यादा सोच रहा था।
मनु रावत जो हमारा गाइड था वह मुझसे मिलने आने वाला था और मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। जैसा कि मैं ये पहले कई बार कह चुका हूँ कि गर्म पानी का कुंड जैसा बद्रीनाथ में है वैसा मैंने अब तक कहीं और नहीं देखा। पानी का फ्लो बहुत अच्छा है जिससे साफ़ सफाई बनी रहती है और फिर सल्फर की महक जरा भी नहीं आती। हमने कुछ प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए खरीदा। राजीव कुछ और भी चढ़ाना चाहता था जिसके लिए बद्रीनाथ की छोटी सी मार्केट काफ़ी पर्याप्त थी। मंदिर में दर्शन करके हम लोग होटल आकर सो गए। सुबह सुबह हमें वहाँ से माना गांव की तरफ जाना था। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग माना गांव पहुँच गए। मनु रावत अपनी टीम के साथ वहाँ पर ही हमारा इंतज़ार कर रहा था। वह किसी कारण से हमारे साथ जाने में असमर्थ था, इसलिए वह हमारे लिए दूसरा गाइड ले आया था। वो तीन लोग थे, एक गाइड और दो पोर्टर्स। वह तीनों नेपाल के रहने वाले थे और उन्हें देखकर ही यह एहसास हो गया कि हम लोग की टीम बहुत बढ़िया है। यह शायद उन तीनों के बॉडी लैंग्वेज के कारण लगा। हम लोग अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर जाने वाले थे। हम लोग फटाफट अपना सामान निकालकर उनके बैग में डालने लगे। सामान के बारे में फैसला करना आसान नहीं होता। इच्छा होती है कि हम सब कुछ साथ लेकर चले, पर पहाड़ों की चढ़ाई में अपना शरीर तो उठता नहीं है, उस पर एक एक्स्ट्रा ग्राम वजन भी भारी ही पड़ता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर अपने साथ सामान लेकर जाना पड़ता है। हमने सामान सलटाने में करीब एक घंटा लगाया। हम लोग गांव के अंदर चले गए जहां पर सामान को पोर्टर्स के कैरियर बैग में बांधने का काम चालू हुआ। करीब करीब 10 बज गए थे। अभी तक मैं राजीव के ट्रैकिंग स्पीड के बारे में कुछ जानता नहीं था, इस कारण मैं जल्दी से जल्दी निकलने के लिए प्रेशर बना रहा था। राजीव इसके विपरीत काफ़ी रिलैक्स लग रहा था,
शायद वह आगे के रास्ते एवं ऑक्सीजन रहित वातावरण में ट्रैकिंग के तकलीफों से वाकिफ नहीं था। खैर, हमने सामान को पैक होता छोड़ अपना अपना बैग लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। यात्रा की शुरुआत अलकनंदा नदी को पार करके हुई, जो कि माना गांव के साथ ही बहती है। यह वही स्थान है जहां पर सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में समा जाती है। यह मान्यता है कि सरस्वती नदी यहां से पाताल लोक में चली जाती है। वहां गांव से ही हमें वसुधारा एवं अलकापुरी की ऊंची पहाड़ी नज़र आती है। आज रात हमें लक्ष्मी वन में रुकना था, जो कि अलकापुरी के ठीक नीचे परंतु नदी की दूसरी तरफ है। माना से लक्ष्मी वन कोई 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। सतोपंत की यह यात्रा पांडवों के साथ भी जोड़ी जाती है। सतोपंत झील, जिसे वैकुंठ धाम भी कहते हैं, जहां स्वयं विष्णु निवास करते हैं, वही स्थान पांडवों ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा के लिए चुना और रास्ते में अलग अलग स्थान पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। हमारी पूरी यात्रा उस पहाड़ी श्रृंखला जिस पर बद्रीनाथ स्थित है के ठीक दूसरी तरफ से होने वाली थी, जिसका अर्थ यह था कि जिस नीलकंठ पर्वत को हमने बद्रीनाथ मंदिर की तरफ से देखा था, उसे हम लोग ठीक उसके पीछे से भी देखने वाले थे। मनु रावत हमें कुछ दूर तक छोड़ने आया। शुरू में रास्ता बहुत हरा भरा था, ठंडी हवा चल रही थी, नीचे से अलकनंदा नदी का शोर सुनाई पड़ रहा था, धूप खिली हुई थी। मिला जुला कर कहे तो ट्रैकिंग का अच्छा माहौल था। माना गांव से ऊपर जाती सड़क पर सिविलियंस को जाना मना है, उसे सिर्फ मिलिट्री या ITBP के लोग चाइना बॉर्डर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने करीब 10 मिनट उनसे बातचीत की और आगे के रास्ते के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। मनु रावत हमें अपने कुछ तजुर्बे बताने लगा एवं पहाड़ों में बचाव करने के कुछ गुण समझाने लगा। इस तरह की टिप्स बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि कौन जाने पहाड़ों में कब हमें किसी कारण से अकेला रहना पड़ जाए, तब बिना गाइड के यही टिप्स हमारे बहुत काम आती हैं। गपशप करने के बाद गाइड को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर मनु यादव वापस चले गए। चूँकि हमने अभी यात्रा चालू ही की थी, शरीर अभ्यस्त नहीं था, इसलिए हम लोग काफ़ी जल्दी थक जाते थे और रुककर सुस्ताने लगते थे।
बगल की पहाड़ी श्रृंखला पथरीली थी और उन्हें देखकर मुझे गोमुख के रास्ते की पहाड़ियाँ याद आ गईं। साल के कुछ महीनों को छोड़कर इन पर हमेशा बर्फ रहती है, जिसे पिघलने से वसुधारा जैसी अनेकों धाराएं नीचे की तरफ आकर अलकनंदा में मिल जाती हैं। करीब 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां बहुत सारे फूल खिले हुए थे। इसे आनंद वन कहते हैं। हम अगर यहां कुछ हफ्ते पहले आए होते तो हमें ज़्यादा फूल मिलते, पर अब चूंकि पतझड़ का मौसम ऑटम आ चुका था, फूल ख़त्म और घास पीली सी हो गई थी। आनंद वन पार करते वक्त मुझसे ऐसी हरकत हुई जिसने राजीव के मन में मेरे प्रति क्रेडिबिलिटी को करीब करीब ख़त्म ही कर दिया। मैं वहाँ फिसल कर गिर गया। अब वह यह समझ गया था कि मैंने जो भी अब तक की यात्राओं की डींगे हाँकी थी वह सब शायद सच नहीं थी। खैर, हम आगे बढ़ने लगे। शास्त्रों के हिसाब से नकुल यहाँ तक ही आ पाया था। यहाँ पर उसने अपना शरीर त्याग दिया था। द्रौपदी की मृत्यु तो माना गांव में ही हो गई थी। यहाँ पर हमारे गाइड ने बताया कि आगे का करीब 1 किलोमीटर का रास्ता उस दिन के लिए सबसे कठिन था, इसलिए हम लोग वहाँ कुछ देर के लिए रुक गए। भूख लगने लगी थी पर हम वहाँ खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि खाना तो हम अपने साथ लेकर चल रहे थे पर पानी हमें रास्ते से ही लेना था। उस स्थान पर पानी नहीं था। वहां से सीधा रास्ता नीचे की तरफ गया है जो कि हमें नदी के पास पहुंचा देता है। उस स्थान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहाँ पहले लैंडस्लाइड हुआ था, पर वहाँ चूंकि पानी मौजूद था इसलिए हम लोग खाने के लिए वहीं रुक गए। खाने में पूरी और सब्जी माना गांव से पैक करवा कर हमारा गाइड लेकर आया था। इसके आगे का खाना अब हमें वहां पर ही बनाना था, जिसका सामान हम लोग साथ ही लेकर जा रहे थे। मैं खाते हुए आगे के रास्ते को ध्यान से देख रहा था। मिट्टी बहुत ढीली थी। वह रास्ता इस मौसम के लिए तो खतरनाक नहीं था, पर सितंबर में अगर बारिश हो तो वहां कभी भी मिट्टी अब पत्थरों के ऊपर से गिरने का खतरा रहता होगा। खाना खाकर हम लोग आगे बढ़ गए। आधे किलोमीटर का रास्ता खतरनाक था। फिर एक बोल्डर जोन को क्रॉस करने के बाद हमें एक ऊंची चढ़ाई मिली। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपना शरीर त्यागने के लिए इसी रास्ते को चुना था। कहते हैं द्रौपदी की माना गांव में सरस्वती नदी पार करने के बाद ही मृत्यु हो गई थी। नकुल
आनंदवन तक ही पहुंच पाया था और बाकी भाइयों ने भी इसी रास्ते में अलग अलग स्थानों पर अपने शरीर को त्यागा था। खैर, अगर हम अपनी यात्रा की बात करें तो अब वाकई में रास्ते की कठिनाई का एहसास पूरी तरह से होने लगा था। नीचे से हमने ऊपर विशाल बर्फ से लदे पहाड़ों को देखा। गाइड ने बताया कि इसे धानु ग्लेशियर कहते हैं। आगे चढ़ाई कम तो हो गई थी पर रास्ता फ्लैट तो कतई नहीं था। राजीव के सिर में दर्द होने लगा था जिसका कारण था डिहाइड्रेशन और शायद एल्टीट्यूड सिकनेस। इस कारण अब उसकी गति भी पहले से काफ़ी धीमी हो गई थी। रास्ते के सारे फूल और घास अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वह सब बिल्कुल सूख चुके थे, पत्तियां पीली पड़ चुकी थीं। दूर पहाड़ों पर मुझे भोजपत्र के सूखे वृक्ष दिख रहे थे जिन पर से सारी पत्तियां पिछले करीब एक महीने में गिर गई थीं। एक धार के बाद दूसरा और फिर तीसरा, अनेक धारों को हमें पार करना पड़ा। उसके बाद हमें एक काफ़ी फ्लैट सा मैदान नज़र आया जिसके पीछे धानु ग्लेशियर बहुत अच्छा दिख रहा था, तो हमने कुछ तस्वीरें खिंचवाने का फैसला किया। अलग अलग कैमरों से हमने फ़ोटो खिंचवाई। आखिर किसी न किसी कैमरे से तो हमारी फ़ोटो अवश्य अच्छी आती। हम लोग फिर आगे बढ़ चले। गाइड ने बताया कि हम लोग माना से करीब 5 किलोमीटर आगे आ गए थे और हमें करीब 2 से 2.5 किलोमीटर और आगे जाना था। शाम होने वाली थी और फिर पहाड़ों पर अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इस कारण हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। कुछ आगे बढ़कर हम लोग एक और बड़े मैदान में पहुंचे, जिसके ठीक सामने नदी के दूसरी तरफ वसुधारा वाटरफॉल था। ठंड के कारण बर्फ कम पिघलती है, इसलिए उसमें पानी बहुत कम था, हालांकि वह मेरी उम्मीद से फिर भी ज़्यादा ही था। कहते हैं यहाँ पर 8 वसुओं ने कोई 30,000 साल तक तपस्या की थी, जिसके बाद प्रसन्न होकर स्वयं नारायण ने उन्हें दर्शन दिया था और उन्हें भक्ति का वरदान दिया था। तब से ही इस धारा को वसुधारा कहते हैं। माना गांव से यह साफ नज़र आता है और ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ 1 घंटे में ही पहुँच जाएंगे, पर वास्तविकता यह थी कि हमें वहाँ पहुँचने में करीब 5 घंटे लग गए थे।
अलकापुरी भी अब हमें बहुत पास नज़र आने लगा था। राजीव अब आगे बढ़ गया था। गाइड ने उसे बताया था कि लक्ष्मी वन वहाँ से कोई 1 किलोमीटर ही है, इसलिए शायद वह पहले पहुंचकर कुछ आराम करना चाहता था। पर मैं गाइड के साथ वहाँ करीब आधे घंटे तक रुका रहा और जी भरकर वसुधारा की खूबसूरती को निहारता रहा। ऐसी भी कहावत है कि पापियों के ऊपर वसुधारा का पानी नहीं गिरता। अब यह कौन जाकर देखेगा कि उसके ऊपर पानी गिरता है कि नहीं। करीब आधे घंटे के बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो देखा कि राजीव वहाँ हमारा रास्ते में ही इंतज़ार कर रहा था। यह मेरे लिए कुछ चिंताजनक बात थी क्योंकि अब चढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी उसकी गति काफ़ी धीमी हो गई थी। शायद यह एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम को दर्शा रहा था। फिर वह सरदर्द की शिकायत भी कर रहा था। खैर, यह बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि हम लोग समुद्र तल से करीब 12,000 फीट पर थे। यह नर पर्वत है जो कि नारायण पर्वत के सामने है। नारायण पर्वत पर बद्रीनाथ मंदिर है जबकि माना गांव नर पर्वत के नीचे है। अब शाम हो चुकी थी, हमारी तरफ रोशनी कम होने लगी थी जबकि नदी के दूसरी तरफ ऊपर पर्वतों पर शाम की धूप अभी भी पड़ रही थी। हम लोग तेजी से चलते चलते लक्ष्मी वन पहुंच गए। लक्ष्मी वन भी एक छोटा सा मैदान ही है। एक तरफ ऊंची सी विशाल पथरीली दीवार है तो मैदान के दूसरी तरफ अलकनंदा नदी एवं उसके ठीक पीछे बर्फीली पहाड़ियाँ। अलकापुरी पर्वत का बेस यही है। जब हम माना गांव से चलने लगे थे तो हमें गाइड ने नर पर्वत की तरफ इशारा करके उसे कुबेर पर्वत बताया था। मैं उस वक्त उसके इस बात से कन्विंस नहीं था क्योंकि मैंने कुबेर पर्वत की अलग तरीके की तस्वीर देखी थी। यहाँ लक्ष्मी वन के नीचे से जब ऊपर देखा तो मुझे लगा कि शायद इसी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कुबेर पर्वत कहलाता है, पर उस वक्त तक मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता था क्योंकि हमारा व्यू ठीक उसके नीचे होने के कारण बहुत बढ़िया नहीं था। उम्मीद के मुताबिक वहाँ भोजपत्र के बहुत सारे पेड़ थे। सभी के पत्ते करीब करीब झड़ चुके थे। उन्हें देखकर लगा कि सितंबर के महीने में वह निसंदेह ही बहुत हरे भरे और खूबसूरत दिखते होंगे। हमारे एक पोर्टर जिसका नाम था उज्जू, वह नीचे नदी से हमारे लिए पानी लेकर आ गया था। वह दूसरे पोर्टर के साथ वहाँ पहले ही पहुँच चुका था और हमारे लिए टेंट लगाने में व्यस्त था। वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने पहले तो कुछ तस्वीरें खींची। दिन भर की यात्रा की थकान हमारे चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी, पर कहीं न कहीं यह संतोष भी था कि हम अपने पहले पड़ाव पर पहुँच चुके थे। टेंट का सारा सामान यह टीम हमेशा अपने साथ लेकर नहीं चलती। वह लोग इन्हें इस्तेमाल होने के बाद पन्नी में लपेटकर इन पत्थरों के बीच में छुपा देते हैं। काफ़ी खाने का सामान जैसे कॉफ़ी, आलू, मिल्क पाउडर वगैरह यह लोग यहाँ आसपास ही पत्थरों में पूरे एक ट्रैकिंग सीजन के लिए छुपाकर रख लेते हैं।
टेंट के अंदर पहुंचकर हम लोग सुस्ताने लगे। राजीव का सिरदर्द और बढ़ गया था। उसने दो तीन बार उल्टियां भी की। सर इनकी ना तबीयत ठीक, हालांकि यह काफी नेचुरल था, पर मन ही मन मैं इस चीज के लिए तैयार था कि आवश्यकता पड़ने पर हम लोगों को वहाँ एक दिन और रुकना पड़ सकता था। सर टेंट के अंदर पहले तो हमें गरम गरम सूप दिया गया और फिर खाने में रोटी सब्जी और अचार मिली। उम्मीद के अनुसार अगले दिन हमारी नींद चटकीली धूप एवं नीले आसमान के साथ खुली। ठंड बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर शून्य से काफ़ी नीचे था। ड्रम्स में जो पानी रखा हुआ था वह जम चुका था। पीने के लिए भी बर्फ़ को तोड़कर उसे पिघलाना पड़ रहा था। हमारा टेंट थोड़ा छोटा था और अलग था। दूसरे टेंट में जो कि हमारे से काफ़ी बड़ा था उसमें हमारे पोर्टर और गाइड सोए थे। इसके अलावा वह टेंट हमारा किचन भी था। अलकापुरी पर्वत के ठीक नीचे एक ग्लेशियर दिखाई पड़ रहा था जो कि लाखों टन मिट्टी एवं बोल्डर से ढका हुआ था। अलकनंदा नदी के स्नॉट को अब हम साफ साफ देख पा रहे थे। इस हिस्से को भागीरथी खड़क ग्लेशियर कहते हैं। इसी के बगल की तरफ से एक रास्ता था जो हमें आज की यात्रा के लिए लेना था। मैंने नाश्ते में अपनी पसंदीदा मैगी बनवाई। मैगी को मैं हमेशा पर्वतों से एसोसिएट करता हूँ। मेरा मैगी से लगाव काफ़ी आध्यात्मिक है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नाश्ता करते करते हम लोग उस दिन के यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे। अज्जू हमें इस इलाके के बारे में विस्तार से बता रहा था। वह इन ग्लेशियर्स को कई बार पहले पार कर चुका है। वह बगल के बर्फीले पहाड़ को चौखंबा बता रहा था जिस पर कि मुझे थोड़ा डाउट था। ऊपर से कलकल छलछल करते अलकनंदा नदी के बहते पानी को देखना बहुत ही सुखद अनुभव था। अलकनंदा नदी में ऊपर के ग्लेशियर से पिघला पानी भी नीचे आकर मिल रहा था। भले ही भोजपत्र के वृक्षों से पत्ते झड़ गए हों, खूबसूरत तो वह अब भी लग रहे थे। राजीव की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हमने कुछ समय वहां और रुकने का फैसला किया जिससे हम ये फैसला कर पाए कि उस दिन हमें वहां रुकना है या फिर आगे बढ़ना है। फुर्सत देखकर मैं थोड़ा सजने सवरने लगा। मैंने सोचा कि आगे पता नहीं समय मिले या ना मिले, या फिर मूड करे या ना करे। हम लोग ठंड के बावजूद धूप में थोड़ी देर के लिए बैठ गए। चूंकि हवा बहुत तेज नहीं थी इस कारण ठंड से ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। मैं कहीं ना कहीं वहाँ बैठकर बहुत खुश था। वह जगह, वह वातावरण ऐसा था कि मैं वहाँ कई कई घंटे बिना किसी तकलीफ के गुजार सकता था। अगर हम प्लान के हिसाब से अब तक निकल गए होते तो इस सुनहरी धूप में यहाँ समय बिताने के लाजवाब तजुर्बे से वंचित रह जाते हैं। और फिर करीब करीब 9 बजे के आसपास हमने यह फैसला किया कि आगे बढ़ा जाए और अगर राजीव की तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोग वापस नीचे आ जाएंगे।
अब चूंकि हम लोग जाने की तैयारी करने लगे थे तो हमारे टीम ने कुछ सामान को छुपाने के लिए स्थान ढूंढना चालू कर दिया। और फिर अचानक से उस वीरान जंगल में कहीं से एक कुत्ता आ गया। कहते हैं वहाँ धर्मराज कुत्ते का रूप धारण करके आते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर को वह स्वान के रूप में मिले थे, मगर मेरे जैसे अधर्मी को देखते ही वह कुत्ता वहाँ से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वह यहाँ आया ही नहीं था। खैर, हम लोग करीब 10 बजे वहाँ से आगे चल पड़े। आगे सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण अब हम लोग जल्दी थक जाते थे और बैठकर सुस्ताने लगते थे। कुछ आगे चलकर हम एक वाइनुमा रास्ते पर आ गए। दोनों तरफ ग्लेशियर ही था। दाहिनी तरफ भागीरथी खड़क ग्लेशियर था जो कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान है, और बाएं साइड में जो ग्लेशियर था उसका नाम था सतोपंत ग्लेशियर। हम लोग बाई तरफ बढ़ चले क्योंकि वही रास्ता हमें सतोपंत की तरफ ले जाने वाला था। अलकनंदा नदी को विष्णुपदी गंगा भी कहते हैं क्योंकि यह मान्यता है कि अलकनंदा नदी वास्तव में सतोपंत के बगल में विष्णु कुंड से निकलती है और ग्लेशियर के नीचे होते हुए अलकापुरी से बाहर आती है। राजीव ने रास्ते में कई बारी कोशिश की कि शायद उसके मोबाइल को कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल मिल जाए, पर अफसोस यह हिमालय का क्षेत्र था, वहाँ बर्फ मिलती है, मोबाइल सिग्नल नहीं। वहाँ तो चारों तरफ थे ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत और उनके नीचे जीवनदायिनी ग्लेशियर जिससे निकलकर नदियाँ उत्तर भारत के विशाल मैदानी इलाकों को सींचती हैं। रास्ता बहुत कठिन होता जा रहा था, बिल्कुल पथरीला था और देखकर काफ़ी निर्जीव प्रतीत हो रहा था, पर वास्तव में भांति भांति के पौधे वहाँ खिले हुए थे। बरसात के मौसम में तो यह काफ़ी हरा भरा नज़र आता होगा। आगे बाई तरफ की ऊंची दीवारनुमा पहाड़ों पर से अब हमें पानी के झरने जो कि सूखे हुए थे नज़र आने लगे थे।
इसका कारण था भीषण ठंड। 12 बजे भी पानी के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, पर शुक्र है कि हमारे बगल में थोड़ा बहुत फ्लोइंग वाटर तो था, जिससे हमें कम से कम पीने के पानी की दिक्कत नहीं हो रही थी। करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हम लोग सुस्ताने के लिए रुक गए। राजीव की मोबाइल सिग्नल पकड़ने की कोशिश जारी थी। मैं धूप सेकने में लगा हुआ था। धूप में चाहे गर्मी हो ना हो, पर साइकोलॉजिकली तो फर्क पड़ता ही है। मैं मौका मिलते ही अपनी पुरानी ट्रैकिंग के किस्से लोगों को सुनाने लगता था, चाहे वो सुनना चाहते हों या ना। मैं ऊपर आसमान पे भी नज़र रखता था, क्योंकि लोकल कारणों से ही कई बार 1-2 घंटे के लिए बारिश या फिर बर्फबारी होने लगती है। वैसे उस ठंड में बारिश तो क्या ही होती, बर्फ ही पड़ती। कुछ हमें लौटते यात्री मिले जो कि हमें झूठी आश्वासन देने लगे, जैसे कि आगे का रास्ता हरी हरी घास से भरा हुआ है और हम लोग उड़ते हुए पहुँच जाएंगे। मुझे तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आता ही इसलिए हूँ कि रास्ता कठिन होता है। अगर रास्ता आसान हो तब तो कोई भी यहाँ पहुँच जाए और ऐसी ऐसी जगहों का कोई महत्व ही ना रहे, कम से कम मेरी नज़र में। बगल के झरनों से थोड़ा बहुत भी पानी जो नीचे आ रहा था वो हमारे साथ साथ उल्टी दिशा में बह रहा था। जमे बर्फ और बहते पानी का खेल बहुत लुभावना लगता है। पानी इतना साफ था कि हम लोग उसे सीधा ही पी सकते थे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे, नए नए पहाड़ नज़र आने लगे थे। वहीं पीछे की तरफ ऊंचाई में आ जाने की वजह से व्यू बहुत ज़्यादा वाइड हो गया था, पर ले देकर हर चीज़ थकान पर आकर अटक जाती थी। पर जब हम लोग थक कर बैठते थे तो एहसास होता था कि इस रगड़ इलाके में भी खूबसूरती बेमिसाल थी। इन झरनों का स्रोत इनके ऊपर के ग्लेशियर्स हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि हम ठीक उनके नीचे थे। बरसात में अगले 2.5 से 3 किलोमीटर तक इतनी धाराएं ऊपर से नीचे आती हैं
कि इस स्थान को सहस्रधारा कहते हैं, या दूसरे तरह से कहें तो सहस्रधारा वहां से ही चालू हो जाता है। दूसरी तरफ सतुपंत ग्लेशियर के पीछे के पहाड़ काफी हद तक बादलों से ढके थे, पर थोड़ी ही देर में वह बादल छट गए और हमने पहली बार स्वर्गारोहिणी के ग्लेशियर को देखा। यह ऐसा नज़ारा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब हम ऐसे स्थान पर थे जहां से हम सतुपंत ग्लेशियर को आगे से पीछे तक पूरा देख सकते थे। स्वर्गारोहिणी से यह ग्लेशियर चालू होकर हमारे सामने ही खत्म हो रहा था। इसके नीचे से निकलने वाला पानी अलकनंदा नदी में मिल रहा था। अगर मैं यहाँ कोई 10 साल पहले आया होता तो यह ग्लेशियर यहाँ से काफ़ी आगे तक फैला होता, पर क्लाइमेट चेंज के ज़माने में ग्लेशियर्स अब बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे आंखों के सामने था। अब चढ़ाई थोड़ी कम हो गई थी, रास्ता ऊपर नीचे होता जा रहा था। सहस्रधारा हमारी बाईं तरफ था और अब वह हमें करीब करीब पूरा दिखने लगा था। हम लोग थक कर कुछ देर के लिए बैठ गए। एक गुफा दिखी। जुलाई से सितंबर के बीच इस गुफा को यात्रीगण खास तौर से साधु संत अवश्य ही रुकने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अब मुझे चलने में और भी मजा आने लगा था। सामने स्वर्गारोहिणी, बाईं तरफ सहस्रधारा और बगल में सतुपंत ग्लेशियर। मेरे जैसे हिमालय में विचरने वाले व्यक्ति को इससे अधिक भला और क्या चाहिए। सहस्रधारा की ज़्यादातर धाराएं जमी हुई थी, रह रहकर ऊपर से बड़े बड़े बर्फ के चट्टानों के टूटने की आवाज़ आती रहती थी। वहीं दाहिनी तरफ ग्लेशियर पर बोल्डर्स के खिसकने एवं लुढ़कने की आवाज़ आती थी। यह ग्लेशियर बड़े बड़े क्रिवास से भरा हुआ था। आगे चलकर हमें ऐसे ही एक ग्लेशियर को पार करना था। राजीव को मैंने जब यह बात बताई तो वह मुस्कुराने लगा, शायद उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। हम लोग थोड़ी ऊंचाई से आगे बढ़ रहे थे, वही हमारे दोनों पोर्टर्स नीचे के एक रास्ते से हमारा सामान लेकर आगे बढ़ गए। शायद ये अच्छा ही था कि हम लोग ऊपर से जा रहे थे, क्योंकि उससे हमें व्यू बहुत अच्छा मिल रहा था।
सहस्रधारा के ऊपर जो ग्लेशियर है वह नीलकंठ पर्वत है, जिसका अर्थ यह था कि हम लोग बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे थे। जहाँ जहाँ अक्सर पानी की धारा आती थी वहाँ बर्फ की एक लाइन सी बनी हुई थी। नीचे स्थान को देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं था कि यहाँ पर अक्सर पानी बहा करता है। पानी बहने के चैनल्स बने हुए थे और लंबी लंबी घास उगी हुई थी। वह घास भले ही हरी ना हो पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं जानबूझकर यही मौसम ट्रैकिंग के लिए चुनता हूँ। सितंबर में मौसम काफ़ी गर्म होता है, हरियाली भी बहुत ज़्यादा होती है और यात्रीगण भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पर फिर बादलों का खतरा भी रहता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक हफ्ते तक सतोपन में रुके, आगे भी गए पर उन्हें स्वर्गारोहिणी का ग्लेशियर पूरा एक बार भी नहीं दिखा। अक्टूबर में इसकी संभावना बहुत कम होती है, पर फिर हमें ज़रूरत से ज़्यादा ठंड को झेलना पड़ता है। सहस्रधारा के आगे एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर हमारा खाना खाने का कार्यक्रम था। हम लोग वहाँ धीरे धीरे पहुँच गए। दोपहर में खाने का एक ही ऑप्शन होता था, रोटी एवं उसके साथ या तो अचार या फिर जैम। हैरानी की बात यह होती है कि इतनी कठिन यात्रा करने के बाद भी खाने की ज़रा भी इच्छा नहीं होती, भूख जैसे मर जाती है। शायद यह अत्यधिक थकान के कारण होता है या फिर कहें तो हाई एल्टीट्यूड का इसमें शायद कोई रोल होता है। करीब 4 बज गए थे, अब हमें आगे बढ़ना था, पर चूँकि राजीव पूरी तरह स्वस्थ नहीं था इसलिए अब हमें वहाँ से चक्रतीर्थ जाना थोड़ा रिस्की लगा। इसका कारण यह था कि वहाँ से चक्रतीर्थ का रास्ता था तो 1 किलोमीटर ही, पर वह काफ़ी चढ़ाई एवं उतार से भरपूर था। अगर हमें वहाँ रात को परेशानी होती तो हम वापस राजीव को नीचे नहीं ला पाते, इसलिए शायद हमारा रात को वहीं रुकने का फैसला सही था। पर इसका यह भी मतलब था कि हमें तीसरे दिन ज़्यादा चलना होता। रामू दूसरे पोर्टर्स के साथ टेंट बिछाने में लग गया। उन्हें कोई आधा घंटा लगता था पूरी तरह टेंट तैयार करने में। और हमेशा की तरह हमने पहले सूप पिया और फिर खाने में खिचड़ी खाया। राजीव को खाना खाते ही उल्टियां होने लगी, जिस कारण हमें रात में वहां रुकने का निर्णय और भी सही लगने लगा। तीसरे दिन का इंतजार है, होपफुली हेल्थ साथ दे। अगले दिन सुबह मौसम उम्मीदों के अनुसार काफ़ी खुला हुआ था। आज का दिन काफ़ी कठिन होने वाला था। हमें पहले तो चक्रतीर्थ पहुंचना था और फिर वहां से करीब 3 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर का इलाका पार करना था।
वहां से हमें चौखंबा का व्यू बहुत अच्छा दिखने लगा था। वह इतनी पास प्रतीत हो रहा था जैसे हम लोग कुछ देर चलकर ही उसे छू लेंगे। ठंड बहुत ज्यादा थी, पानी हर तरफ जमा हुआ था, पीने के लिए भी पानी को गर्म करके पिघलाया गया था, पर इतनी भीषण ठंड के बावजूद आसपास का नज़ारा अत्यंत ही खूबसूरत था। हम जैसे हिमालय के बारे में कल्पना करते हैं, यह स्थान बिल्कुल वैसा ही था। हम लोग करीब 9:30 बजे आगे के लिए निकल पड़े। मुझे ध्यान आया कि पांचों पांडवों में से सहदेव यहाँ तक ही आ पाया था, यहीं पर उसने अपना शरीर त्याग दिया था। यहाँ से आगे सिर्फ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एवं स्वान के रूप में धर्मराज ही आगे बढ़े थे। हमें वहां से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक बहुत ऊंची चढ़ाई पार करनी थी। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, नए नए पहाड़ नजर आने लगे। सभी के कुछ न कुछ नाम रखे गए हैं, जिनमें मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसका कारण था कि चौखंबा के आगे मुझे कोई और पहाड़ दिखता ही नहीं। हमें कुछ लौटते हुए यात्री मिले। यह लोग रात में सतपंत में ही रुके थे और मनु यादव की ट्रैकिंग टीम ही उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी। मस्त है भाई सर, मस्त है सर। ये देखो ये कौन सा है भाई साहब? ये वाला ये तो है नीलकंठ सर। तो वो कौन सा है? वो हाँ वो नहीं है, वो तो उसका बेस है नीलकंठ। ये वाला है? हाँ नीलकंठ ये है। पता ही नहीं चलता है कौन कौन है। नीलकंठ पर्वत को लेकर रामू के मन में कुछ कन्फ्यूजन था। हर बाईं ओर के पर्वत को वह नीलकंठ पर्वत बताता था, पर मेरे हिसाब से अब जो हमें पहाड़ बाईं तरफ नजर आ रहा था वो देखकर असली नीलकंठ लग रहा था। इस स्थान को माउंटेनियर्स नीलकंठ को चढ़ने के लिए बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं। आसपास के दृश्यों को बार बार बैठकर देखने की इच्छा होती थी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते थे, वही दृश्य एक नए रूप में नजर आता था। जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं वह लोग यहाँ तस्वीरें खींचते खींचते थक जाएंगे, पर दृश्य खत्म नहीं होंगे।
थोड़ी देर के बाद हमें ऊपर से एक मैदान नज़र आया। रामू ने बताया कि यही चक्रतीर्थ है। चक्रतीर्थ चारों तरफ से दीवार जैसी पहाड़ियों से घिरी एक जगह है। यह घास का एक खुला मैदान है। यहाँ से चौखंबा और भी पास नजर आता है। हमारे पीछे नीलकंठ का व्यू और भी अच्छा हो गया था। पता नहीं हवा में एक रुई जैसी चीज उड़ रही थी जो मैंने पिछले दिन भी देखी थी। प्लान के हिसाब से कल रात को हमें यहीं पर रुकना था। रामू ने बताया कि कुछ देर आराम करके हमें आगे वाली पहाड़ी पर चढ़ना था। वह चढ़ाई कुछ 50 डिग्री के एंगल पर थी। दोनों पोर्टर आगे बढ़ गए। उन्हें हमारे लिए पीने का पानी ढूंढना था। उनके पीछे पीछे राजीव भी आगे बढ़ गया। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उस पर ठंडा पानी भी उसकी मुसीबतों को बढ़ा रहा था। पर यह तो उसकी हिम्मत थी कि वह फिर भी आगे बढ़ रहा था। गर्मियों में यहाँ ऊपर पहाड़ों से पिघलकर बेशुमार पानी नीचे आता है। वह हम अनगिनत वाटर के चैनल्स को देखकर आराम से बता सकते थे। यह घास भी तब हरी भरी होती होगी और बहुत फूल खिले रहते होंगे, पर क्या व्यू इतना साफ होता होगा? शायद नहीं। इसी कारण मैं वहाँ इस मौसम में घूम रहा था। वो छोटे छोटे पौधे जिनसे वह रुई जैसी चीज निकल रही थी, वह यहाँ बहुतायत में थे। पानी लाने के लिए अज्जू एवं रामू को काफी ऊपर चढ़ना पड़ा। कड़ाके की ठंड में और धूप में, जो कि कतई गुनगुनी नहीं थी, हम लोग वहाँ कुछ देर रुककर गपशप मारने लगे। दूसरे शब्दों में कहे तो अब हम लोग आखिरी पर सबसे मुश्किल स्ट्रेच में जाने वाले थे, जिसके लिए हम लोग अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। मैं बहुत उत्साहित था और इसका कारण था खुला मौसम। अच्छे वेदर फोरकास्ट के बावजूद कभी कभार थोड़ी देर के लिए लोकल कारणों से बर्फ़ पड़ ही सकती है, जो कि मिट्टी पर तो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ती, पर पत्थरों पर फिसलन जैसी कंडीशंस पैदा कर देती हैं। तो हम लोग उस समस्या से तो बच ही गए थे, कम से कम एक तरफ के लिए। मैं रामू के साथ आगे बढ़ गया। मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर ग्लेशियर को देखने के लिए लालायित था और अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उस पहाड़ की चोटी पर एक लाल रंग का झंडा फहरा रहा था, जिसे चढ़ने वालों को यह पता रहे कि उन्हें ऊपर में कहाँ पहुँचना है।
हमें ऊपर से एक लौटती टीम दिखाई दी। उनमें से एक व्यक्ति की उम्र 71 वर्ष की थी। यह इस बात को सिद्ध करती है कि अगर कोई अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रखता है तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हाल ही में जापान के एक व्यक्ति ने एवरेस्ट पर 80 साल की उम्र में चढ़ने का रिकॉर्ड भी तो बनाया है। जब तक हम उन लोगों से बात कर रहे थे, राजीव भी औरों के साथ हमारे करीब पहुंच गया। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे और नए नए ग्लेशियर्स हमें नजर आने लगे थे। उस पर ग्लेशियर्स के टूटने की आवाजें भी आ रही थी। रास्ता बहुत कठिन हो चला था और ऑक्सीजन की कमी ने रही सही कसर भी उतार दी थी। एक कदम बढ़ाते थे तो लगता था जैसे 1 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई हो। राजीव की हालत और भी खराब थी क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ भी ठोस नहीं खाया था। अरे हेलीकॉप्टर ला भाई। रूई वाले पौधे इस इलाके में भरे पड़े थे। खैर जैसे तैसे करीब 1 घंटे में हम लोग ऊपर पहुंच गए। ऊपर ढंग से बैठने तक की जगह नहीं थी। उस पर चक्र तीर्थ हमसे इतना नीचे हो गया था कि देखकर डर लग रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ कोई 15 से 20 मीटर नीचे ही मोरेन का क्षेत्र चालू हो गया था। मिट्टी ढीली थी और हम लोग कुछ देर रुकने के बाद नीचे चल पड़े। हमारे पीछे एक विशाल पर्वत था, शायद पार्वती पर्वत। पर्वत जो भी था काफ़ी खूबसूरत था। यह पत्थर जिन पर हम चल रहे थे वास्तव में काफ़ी खतरनाक है। इन पत्थरों को जिन्हें मोरेन कहते हैं, उनके नीचे एक मोटी सी ग्लेशियर की लेयर होती है और वह अंदर ही अंदर पिघलती रहती है। जहाँ वह ज़्यादा पिघल जाती है वहाँ ऊपर के पत्थरों की वजन से एक बड़ा एरिया नीचे धंस जाता है। यह कोई नहीं जानता कि नीचे के ग्लेशियर की क्या स्थिति है,
इसलिए यह भरोसा करके ही चलना पड़ता है कि कम से कम आज चीज़ें स्थिर रहेंगी। अगला 3 किलोमीटर का रास्ता ऐसा ही था। यहाँ कोई फिक्स रास्ता नहीं था, पत्थरों पर पत्थर रखकर निशान बनाया हुआ था और हमें उन निशानों को ही फॉलो करना था। अगर शास्त्रों की माने तो यहाँ इस रास्ते को सिर्फ युधिष्ठिर और भीम ही पार कर पाए थे। वीर अर्जुन चक्रतीर्थ तक ही आ पाया था और वहाँ उसने अपना शरीर त्याग दिया था। करीब 1 घंटा चलने के बाद हम लोग एक स्थान पर बैठ गए। रामू ने हमें आगे बढ़ते रहने की सलाह दी क्योंकि हम लोग तो अभी आधे रास्ते तक ही पहुंच पाए थे और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ग्लेशियर का रास्ता अभी भी बचा हुआ था। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, भोजन करूं या फिर सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता रहूं। मैंने भोजन को प्राथमिकता दी और राजीव अभी मुझसे बहस करने की हालत में नहीं था, उसे भी रुकना ही पड़ा, या कहें तो शायद उसे पूरी तरह से खतरे का एहसास नहीं था। रास्ते में हमें एक न्यूजीलैंड की टीम मिली जो कि ग्लेशियर का सर्वे कर रही थी। वह लोग अपना काम करने में व्यस्त थे। मुझे वह काम काफ़ी खतरनाक लगा, पर किसी न किसी को तो यह काम करना ही था। ग्लेशियर की हालत को देखकर दुख होता है। यह तो साफ ही था कि नेट पर पिघल रहा है। देखकर मुझे गंगोत्री ग्लेशियर की याद आई जिसकी भी ऐसी ही अवस्था थी, पर अच्छी बात यह थी कि हमारे रास्ते में क्रिवास ना के बराबर थे। पर रास्ता ऊपर नीचे होता रहता था जो कि बहुत थकाने वाला अनुभव था। पर अगर हम इसे भागीरथी ग्लेशियर से कंपेयर करें तो उसकी तुलना में यह ग्लेशियर का रास्ता बहुत सीधा था। करीब करीब 2.5 घंटे के बाद हम लोगों ने एक आखिरी चढ़ाई की और हम सतोपंत पहुंच गए। ताकि जगह पहुंचने में दिक्कत ना हो, एक लाल झंडा ऊपर ही लगा हुआ है
जिससे रास्ता भटकने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। झील में पहुंचने के लिए अब हमें थोड़ा नीचे जाना था। कुछ देर बैठने के बाद हम लोग नीचे आ गए। शाम होने लगी थी। टेंट पहले से ही बिछा हुआ था। पहली नजर में झील में पानी ना के बराबर था। करीब करीब वह सूख ही चुका था। खैर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि झील के चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ अद्भुत लग रहे थे। और चौखंबा की तो बात न करें तो ही बढ़िया। नीचे से ऊपर तक वो हमारे सामने था और उस पर शाम की धूप ने तो जैसे जादू सा कर दिया हो। हम लोग थोड़ी देर में ही टेंट के अंदर चले गए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब तो इंतजार था सुबह की रोशनी में चौखंबा को देखने का। अगले दिन सुबह सुबह भीषण ठंड होने के बावजूद मैं कुछ तस्वीरें खींचने बाहर निकला, पर राजीव सुबह का नज़ारा अपने टेंट से ही ले रहा था। वहां माना गांव पंचायत ने एक पक्का कमरा बनवाया हुआ है। उसके बगल में ही हमारा टेंट था और उसके दाहिनी तरफ एक पत्थर की गुफा में हमारे पोर्टर्स रुके हुए थे तथा हमारा किचन भी था। करीब 9 बजे तक हम लोग तैयार थे। यह तैयारी थी वहाँ के आसपास के इलाकों को देखने की। वैसे तो मेरा आगे जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था क्योंकि आगे कुछ खास अलग देखने की मुझे उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी कुछ दूर तक तो हम जा ही सकते थे। प्लान था कि हम लोग 11 बजे तक जब धूप तेज होगी नहा लेंगे क्योंकि उसके बाद हवा तेज हो जाती है। उत्सुकतावश मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। वहाँ 2-3 पत्थरों के कमरे बने हुए थे। उनमें कुछ साधु संत रहते थे। ज़्यादातर साधु वहाँ से अक्टूबर के महीने तक नीचे चले जाते हैं। थोड़ा ऊपर जाकर झील को ध्यान से देखा तो समझ आया कि पानी का स्रोत तो सिर्फ बर्फ ही है। वही बर्फ पिघलती है और यहाँ पानी जमा हो जाता है। बरसात में भी बारिश का पानी इसमें जमा होता होगा। मिला जुला कर वह जगह बहुत खूबसूरत थी, चाहे पानी हो चाहे ना हो।
बगल में एक छोटी सी चढ़ाई चढ़कर हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए। वह जगह तलवार के धार की तरह पतली थी, संभल कर चलना पड़ रहा था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके दाहिनी तरफ सतोपन का ग्लेशियर था और बाईं तरफ नीचे झील का सूखा इलाका। जरा सी गलती हमें मौत के मुंह में डाल सकती थी। उस पर भी यह मिट्टी ऊपर से ठोस लग रही थी, पर वास्तव में यह काफ़ी ढीली थी। यहाँ चौखंबा पूरा ऊपर से नीचे तक नजर आता है। मधमेश्वर का मंदिर ठीक चौखंबा पर्वत के पीछे था और यहाँ मैं उसे इस पार से देख रहा था। नीचे सतोपन का ग्लेशियर था जो कि काफ़ी बुरी अवस्था में था। उसमें हजारों बड़े बड़े क्रिवास थे। न्यूजीलैंड की सर्वे टीम आज इसी हिस्से का सर्वे करने वाली थी। हम लोग कुछ आगे गए पर मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, इस कारण हम लोग वापस आ गए। फिर कोई फ़ायदा भी नहीं था। नाम देने को तो हम लोग हर एक पत्थर या खाई को कुछ नाम दे सकते हैं, पर लैंडस्केप के मामले में आगे जाने का मुझे कुछ खास फ़ायदा नज़र नहीं आया। कुबेर पर्वत यहाँ से पूरा दिखता है। शास्त्रों के हिसाब से यह वही स्थान है जहाँ से रावण कुबेर का सोना चुरा कर ले गया था। पहली बार हमें इस ट्रिप में धूप में गर्माहट महसूस हुई थी और राजीव ने उसका भरपूर फायदा उठाया। मेरी नज़र में ऐसे स्थान पर शांति से बैठना और प्रकृति के इस नायाब नज़ारे को देखना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है, और राजीव जाने अनजाने में मेडिटेट कर रहा था। हम लोग 2 घंटे के बाद नीचे झील के पास आ गए।
तब तक सर्वे टीम सर्वे के काम के लिए निकल पड़ी थी और वहीं सभी तपस्वी स्नान करके अपने आगे के दिनचर्या की तैयारी में लगे हुए थे। हम लोग जब नीचे पानी के पास आए तो पहली नज़र में मुझे पानी साफ नहीं लगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यह टूरिस्ट के आने का प्रभाव था या फिर कोई प्राकृतिक कारण, पर यह बहुत ही छोटे से हिस्से में था। मेरे अनुसार यहाँ लोगों ने पानी में साबुन लगाकर या तो स्नान किया था या फिर कपड़े धोए थे। खैर, पानी आगे बिल्कुल साफ था। हवा ने सभी गंदगी को एक तरफ इकट्ठा कर दिया था। माना गांव की पंचायत वहां टेंट बिछाने पर रोक लगाने का विचार कर रही है ताकि सतोपन झील और आसपास के क्षेत्रों को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। उस स्थिति में चक्रतीर्थ से लोग वहां जाकर उसी दिन चक्रतीर्थ वापस आ जाया करेंगे। हवा अब पहले से तेज बहने लगी थी, इसलिए हम लोग भी नहाने के लिए घुस गए। पानी बहुत ठंडा था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी डुबकी लगाने की। और कुछ देर शोर वोर मचाकर मैंने हिम्मत जुटाई और दो डुबकियां मार ली और फिर फटाफट बाहर आ गया। वही राजीव ने अक्लमंदी से काम लिया। उसने पानी में कोई समय नहीं बिताया, वह गया और उसने 5 डुबकियां एक साथ ही लगा ली और वह तुरंत बाहर आ गया। अब मुझे लोग कहने लगे कि 2 डुबकियों का कोई महत्व नहीं होता, कम से कम 3 डुबकियां तो मारनी ही पड़ती हैं। तो मुझ पे काफी प्रेशर आ गया और जिस कारण मैं दूसरी बार पानी में फिर घुसा और बहुत हिम्मत करके 3री डुबकी मारी और जैसे तैसे कर बाहर आया। काफी हो गया। और फिर हम लोग माला पढ़ने लगे। उस स्थान को वैकुंठ धाम भी कहते हैं। वहाँ एक माला जाप करने पर 1,00,000 मालों के जपने का पुण्य प्राप्त होता है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा धार्मिक तो नहीं, पर जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना बढ़िया हो तो मैंने भी वहाँ 9 मालाएं पढ़ डाली, जिसका अर्थ था 9,00,000 मालाएं। मैं तो अपने साथ माला जाप करने के लिए लाया भी नहीं था, जबकि राजीव जो कि काफ़ी धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति है वह पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने मंत्रों को भी काफ़ी ध्यान से पढ़ा। मैंने तो माला वहाँ एक तपस्वी से मांगकर काम चलाया। धूप के पत्थरों पर पड़ने से थोड़ी गर्माहट आ गई थी, इस कारण पूजा करते वक्त कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे भी इसका कोई खास महत्व था नहीं, क्योंकि मान्यता यह है कि इस जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सारे पाप धुल जाते हैं। और अब जब मैंने मोक्ष की गारंटी ले ही ली थी तो मंत्रों का भला क्या उपयोग। इस झील में एकादशी में नहाने का बहुत महत्व है। कहते हैं इस दिन यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश एक साथ स्नान करते हैं। जहां तक पांडवों की बात करें तो भीम यहां तक ही आ पाया था, यहां से आगे सिर्फ युधिष्ठिर और धर्मराज गए थे। पूजा करते करते करीब 1 बज गए थे। ठंडे पानी में नहाने के कारण शरीर में कुछ गर्मी सी आ गई थी। गरम गरम खिचड़ी हमारे लिए तैयार थी, जिसे कि हमने छक कर खाया।
हमारा प्लान 2 बजे तक वहां से निकलने का था, ताकि हम लोग अंधेरा होने से पहले सहस्त्रधारा पहुंच जाए और रात वहीं बिताए। जब तक हमारा सामान पैक हो रहा था, मैं उस इलाके को ध्यान से देखने लगा। अब यह मेरे मेडिटेशन या फिर प्रकृति से स्पिरिचुअल कनेक्शन का समय था। चुपचाप बैठकर मैं चारों तरफ के ग्लेशियर और झील को निहार रहा था। जहां मैं लौटने के नाम पर दुखी था, वहीं मुझे ऐसा लगा कि राजीव काफी प्रसन्न था, क्योंकि उसे इतने जोश में मैंने सामान पैक करते हुए पहले नहीं देखा था। मेरी सपोर्ट टीम के लोग भी फटाफट खाना वगैरह खाकर वापसी की तैयारी करने में जुटे हुए थे। जहां तक स्वर्गारोहिणी का सवाल है, वह चौखंबा पर्वत का निचला हिस्सा है, जिसे टेक्निकली आइसफॉल कह सकते हैं। वहां बर्फ पिघलने की वजह से ऐसा लगता है कि सीढ़ियां बनी हुई हैं। कहते हैं युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने के लिए विमान वहां पर ही आया था। मेरी भी स्वर्ग जाने की इच्छा थी, पर कोई 40-50 सालों के बाद। जिस तपस्वी ने मुझे माला दी थी, वह नीचे मुझे झील के पास नजर आया। सोचा उन्हें रोककर इस जगह के बारे में उनसे कुछ जानकारी हासिल करूं। जहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से तप करते हैं और उनके प्रभाव से ये भूमि चेतन है और पावरफुल है। तो अभी हम इस सरोवर की ओर देखते हैं, जो सरोवर के श्रद्धालु लोग और यात्री जहाँ पे दर्शन करने को आते हैं। कहते हैं जहाँ पे एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करने को आते हैं। जो शुरू में है प्रथम, वहाँ पे कहते हैं विष्णु भगवान आते हैं। जो द्वितीय है वहाँ पे कहते हैं भोले बाबा आते हैं। जो तृतीय है वहाँ पे ब्रह्मा जी आते हैं स्नान करने को एकादशी के दिन रात को 12 बजे या 12 बजे आते हैं। तो इसको सतोपन धाम कहते हैं, वैकुंठ धाम भी है। अपराध है ये? अरे नहीं, आप तो गुरु हो। अच्छा, आपके बारे में बता रहे थे क्या, सुबह की सूर्य कुंड की तरफ कोई गया था और उन्हें शंकर जी मिले? नहीं, अभी रास्ते में कोई वहाँ बता रहे थे ऊपर आपको मिले? अपने फोटो ली, छोटा दिखाइए सर हम लोग को भी। हाँ, इनको भोले बाबा के दर्शन। नहीं तो आपको सूर्यकुंड जो गए थे और फिर राजीव एक गुफा में शंकर जी के दर्शन करने चला गया, साक्षात दर्शन। इस विषय में मैं आगे कुछ ना ही कहूं तो बढ़िया है। यह पल मेरे लिए काफी इमोशनल होता है, क्योंकि इतनी तैयारी और मेहनत करके हम लोग ऐसी जगह जाते हैं और फिर देखते ही देखते वापस जाने का समय आ जाता है। हमने अपना अपना सामान पैक कर लिया और फिर रामू ने टेंट के दूसरे सामानों को समेटने का काम चालू कर दिया। कुछ पल हमने सतोपन झील के ऊपर लाल झंडे के बगल में खड़े होकर उस इलाके को जी भरकर देखने में बिताया। मैं इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद करने में लगा हुआ था। चौखंबा, स्वर्गारोहिणी, सतोपन झील, सतोपन ग्लेशियर, इतने सारे क्रीवास, कुबेर पर्वत, यह पथरीला हिमालय का क्षेत्र, अद्भुत था इन सभी का दृश्य। और फिर जैसे दिल पर पत्थर रखकर हम लोग नीचे की तरफ ग्लेशियर पर उतर गए।
कुछ देर नीचे चक्रतीर्थ में रुकने के बाद हमने नीचे सस्यधारा में ही रात बिताने का फैसला किया। चूंकि हमें वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर ही आगे जाना था और वह भी जाता नीचे की तरफ, इसलिए हम लोग आराम से रुक रुक कर गपशप करते हुए नीचे जा रहे थे। दादा, अरे अप्पू सिंह, अरे ओ अप्पू सिंह, चल जल्दी चला जा, तो सब बढ़िया चला जा, वो चला जा। दोनों पोटस पहले ही पहुंच चुके थे और हमारा टेंट करीब करीब तैयार खड़ा था। एक संतुष्टि थी हमारे अंदर यहाँ तक आराम से वापस आ जाने की। पूरी हरी घास, इसमें सब कुछ समय हमने अगल बगल के पहाड़ियों के बारे में बातचीत करने में बिताया। मौका मिलने की देर थी और मेरा ज्ञान चालू हो गया। जैसे कि अगर मैं राजीव को यह नहीं बताता कि इस सीधी दीवार के ऊपर ही ग्लेशियर है तो राजीव तो यह कभी समझ ही नहीं पाता ना, इसलिए उसे ज्ञान देना तो मेरा कर्तव्य ही था। हम लोग कुछ देर गपशप करके एवं खाना पीना समाप्त करके सो गए ताकि सुबह जल्दी नीचे की तरफ बढ़ा जा सके। सुबह सुबह हम लोग 7 बजे ही निकल गए। रात में ठंड बहुत थी, कोई -4 या -5 के आसपास, पर सुबह तापमान बहुत जल्दी बढ़ने लगा था जिस कारण आसपास की बर्फ काफी जल्दी टूटने लगी थी। हम जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तब उस समय तक तो यह पूरा पानी जमा हुआ था। 10 से 11 बजे के आसपास ही पानी में बहाव चालू हुआ था, पर उस दिन हर तरफ पानी के बहने की आवाज आ रही थी। क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी चल पा रहे थे इसलिए रास्ते में रुककर उन सभी स्थानों पर जहां ऊपर जाते वक्त थकान के कारण आनंद नहीं उठा पा रहे थे, हमने फुर्सत से समय बिताया और उस स्थान को समझने का प्रयास किया। जैसे कि वहां के लैंडस्लाइड्स का पैटर्न या फिर भांति भांति के छोटे मोटे फूल एवं पौधे। रास्ते में हमने कोई 7 या 8 गुफाएं देखी जिसे यात्रीगण रात में ठहरने के लिए प्रयोग करते हैं।
अब तक तो सब ठीक चल रहा था कि अचानक से रामू ने एक प्रस्ताव रखा जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, पर राजीव को वह बात बहुत पसंद आई। वह यह कि लक्ष्मीवन से अलकनंदा नदी पार करके वसुधारा की तरफ से माना गांव पहुंचा जाए। मुझे यह प्रस्ताव काफ़ी रिस्की लगा क्योंकि वह रिस्की था। वह दिन और दिनों की तुलना में काफ़ी गर्म था जिस कारण नदी में पहले ही पानी बहुत था और ऊपर से बहाव। मैं रिस्क लेने के मूड में कतई नहीं था। नीचे रामू ने जाकर असेसमेंट किया पर मैं फिर भी तैयार नहीं था। मेरी थोड़ी बहुत तूतू मैमें भी राजीव से हुई पर मैंने यह आइडिया ड्रॉप करवा करके ही दम लिया। ऐसा नहीं था कि राजीव और मैं उसे पार नहीं कर सकते थे, पर फिर उस रिस्क को उठाने का फ़ायदा क्या था। पत्थरों पर जंप करके जाना था, एक ज़रा सी गलती और सारी कहानी ख़त्म। खैर लोगों का रिस्क एपेटाइट भी अलग अलग होता है। आज धूप में भी गर्मी ज़्यादा थी, काफ़ी सुहाना मौसम था। कुछ तपस्वी ऊपर की तरफ जाते मिले जिनके साथ बैठकर हम लोग गपशप करने लगे। ग्यारह बजे तक हम लोग वसुधारा के सामने थे। आगे कोई 2 से 3 घंटे से ज़्यादा का रास्ता नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ करीब 40-45 मिनट तक आराम से बैठकर धूप सेकते रहे। उस दिन पिछले दिनों के मुकाबले वसुधारा में पानी भी करीब 2 से 3 गुना अधिक था, जिस कारण उसे देखकर और भी मज़ा आ रहा था। पर एक बात से मैं काफ़ी हैरान था और प्रभावित भी। राजीव ने इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद जिस दृढ़ निश्चय से यह यात्रा पूरी की थी उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जैसा कि मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि ट्रैकिंग करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है, और राजीव ने यह सिद्ध कर दिया कि वह मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि उसने पूरा 5 दिन मेरे साथ बिना किसी परेशानी के बिताया। इसके लिए असीम मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता थी। और फिर कोई 12 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। वसुधारा के पास से माना पहुंचने में कोई 2 घंटे का समय लगा। राजीव सिविलाइजेशन को देखकर बहुत खुश था और मैं उतना ही दुखी। यह मेरे साथ हमेशा होता है, यात्रा पूरी होने पर मैं जब लोगों की भीड़ देखता हूं तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा दुखी हो जाता है। वापस आकर देखा तो भले ही हम लोगों ने अपने हिसाब से बहुत कठिन यात्रा की थी, वैकुंठ धाम हो आए थे और तो और मोक्ष की भी प्राप्ति कर ली थी, पर माना में हमारे एब्सेंस में पत्ते वैसे ही हिल रहे थे, नदी वैसे ही बह रही थी और हवा भी वैसे ही चालू थी जैसा कि हम उन्हें छोड़ कर गए थे। हमारे जैसे लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर प्रकृति अपने रिदम से चलती रहती है। यह है लाइफ की एक बहुत बड़ी सीख जिसे हम लोग जितनी जल्दी समझ जाएँ उतना ही अच्छा है।
कुछ देर मनु रावत के साथ समय बिताकर हम लोग बद्रीनाथ की तरफ बढ़ने लगे। मनु रावत जी से यह जानकर बहुत खुशी हुई कि माना गांव में सदियों से चली आई भेड़ों के बलि देने की प्रथा अब पिछले 8-10 सालों में खत्म हो गई है। कितने का है ये? 100 रुपये। और मुलायम वाले में जैसा ये है उसमें इस तरह का नहीं है? नहीं है। पहले तो हमारा प्लान यह था कि उस रात हम बद्रीनाथ में ही रुकते हैं, पर फिर हमारा प्लान चेंज हो गया और हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। और हमेशा की तरह हम लोग गोविंद घाट में दोबारा चाय के लिए रुक गए। अंतर सिर्फ इतना था कि पिछली बार चाय पीते वक्त हम यात्रा के बारे में सोच रहे थे और अब हम यात्रा पूरी कर चुके थे। चाय पीते वक्त हम पिछले 5 दिनों के तजुर्बे के बारे में आपस में बात कर रहे थे। मिला जुला कर हमारा ट्रिप बहुत बढ़िया रहा।